वो एक शब्द जिसके चलते पलट गया हसीना का तटकट। और सोना पड़ा देश, बांग्लादेश में शेख हसीना का तटखटा पलट हो गया है और उन्होंने अपना देश भी छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री आवास पर हमले से कुछ देर पहले ही उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा और भारत के लिए रवाना हो गया। पिछले लगभग एक महीने से छात्र आरक्षण प्रणाली को लेकर शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कई जगह पर आंदोलन उग्र भी हुए और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि शेख हसीना के तटखटा पलट के पीछे कोई अहम वजह है, लेकिन उनके द्वारा बोला गया एक शब्द उन्हें भारी पड़ गया। बांग्लादेश का आरक्षण सिस्टम क्या है? 1971 में फौजियों के बलिदान को मान्यता देने के लिए उनके लिए नौकरियों कोटा शुरू किया गया था, जिसके नतीजे में 30% सिविल सेवा नौकरियां उन सैनिकों के बच्चों और पोते पोतियों के लिए आरक्षित किए गए। उनके अलावा अलग से 20% महिलाओं, पिछले जिलों और दिव्यांगों के लिए रिजर्व है। बाकी बसी सिर्फ 44% नौकरियां ओपन मेरिट थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सब के चलते बेरोजगारी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त 30 लाख नौजवान बेरोजगार बताया जा रहा है। सरकार ने पलट दिया था फैसला। कोटा प्रणालियों को असंतोष और हत्या को जन्म दिया। प्रदर्शनकारियों ने पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कोटा को समाप्त करने की मांग नहीं की। छात्रों ने आपत्ति जगाई कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए कोटा अनुचित था और इसका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उनकी आबादी कुल आबादी के 1% से भी कम है। सिविल सेवा की एक तिहाई नौकरी उनके लिए आरक्षित थे। इसके पहले 2013 और 2018 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। सरकार ने कोटा खत्म करने की घोषणा की, लेकिन सफलता तब विफलता में बदल गई जब 5 जून 2024 को उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को अवैध करार दे दिया। एक शब्द ने पलट दी हसीना की गद्दी। विरोध प्रदर्शन जुलाई में छात्रों द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग के साथ शुरू हुआ। 14 जुलाई को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक भड़काऊ भाषण में प्रदर्शनकारियों को रोजानकार कहा था। इस शब्द को बांग्लादेशी देश दुख के बराबर मानते हैं और यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी फौजों का सहयोग किया था। 50 साल पहले शेख मुजीब ने एक पार्टी की सरकार बनाई थी, बेटी ने फिर वही गलती